गाड़ी कोई भी हो, लेकिन किसी महिला के लिए उसे चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करना आसान नहीं होता। लेकिन जब मामला स्वाभिमान और स्वावलंबन का हो तो सब कुछ सहज और आसान लगने लगता है। कुछ ऐसी ही कहानी है हरिद्वार की रहने वाली 28 साल की रूपा की, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए रोजाना 10 से 12 घंटे ई रिक्शा चलाती हैं। रूपा ने बताया कि उन्हें अपने पति से अलग हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं और पिछले 8 महीने से वे ई रिक्शा चला रही हैं। उनका कहना है कि मेरा रिक्शा चलाना दूसरों के लिए कौतूहल का विषय हो सकता है, लेकिन रिक्शा चलाकर स्वाभिमान से जीवन जीना हर समय मुझे आनंदित करता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। वे कहती हैं कि रिक्शा चलाना छोटा काम नहीं है, बल्कि वह इस तरह सम्मान से काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, उन्हें पढ़ा भी रही हैं। आपको बता दें कि रूपा का पति शराबी था, वह हर रोज शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। शराबी पति की यातना से परेशान रूपा ने उससे अलग होने का निर्णय किया। रूपा को ई रिक्शा चलाते देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लोग उनके जज्बे और हिम्मत की खूब तारीफ करते हैं। रूपा आज उन सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है जो अपने पारिवारिक जीवन में अपमान और तिरस्कार को त्याग कर आत्मनिर्भर बनकर सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहती है।